हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आज चैनल। आज हम देखेंगे मेटल सावर्स के बारे में। ये जो मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ, ये है मेटल सावर्स है। ओके, चलिए देखते हैं मेटल सावर्स क्या है। मेटल सावर्स जो है एक सेलेस्टियल इवेंट होता है। सो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मेटल्स जो होता है ये होता है क्या, ना रेडिएट करता है। ओके, सो इसको बोलते हैं मेटल सावर्स बोलते हैं। ये जो है ये नाइट स्काई में ही दिखाई देता है। ये जो मेटल्स है ये बेसिकली जो कॉस्मिक डेब्रिज है, ठीक है, उसमें से ही निकलता है। ये मेटर्स जो इसको बोलते क्या ना मेटर्स, कहाँ पे ना, जब ये अर्थ सरफेस में एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। ओके, सो ये मेटर जो मेटर्स है जो स्पेस में मेटर्स है, ठीक है, ये जब अर्थ का एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो ये मेटर्स हो जाता है। ओके, सो ये एक्सट्रीमली हाई स्पीड के जैसा नीचे आता है हमारा अर्थ का सरफेस में। बट ये क्या है, ये जो है बहुत स्मॉल स्मॉल होता है। सो स्मॉल जैसे क्या है, ग्रेन ऑफ द सैंड्स, सो दैट ये नीचे तक आ नहीं पाता है। ओके, मेटल्स जो है ये वन टाइप ऑफ क्या होता है ना, रॉक एंड आइस का मिक्सड होता है। ओके, ये इजेक्टेड होता है कहाँ पे ना, कॉमेट से। ओके, कॉमेट से ही ये इजेक्टेड होता है मेटल्स। मेटल्स और जो है अदर हैंड देखेंगे ये क्या है, व्हेन अर्थ पासेस थ्रू द टेल ऑफ द डेब्रीज, ठीक है, ये जो है कॉमेट है ना, ठीक है, कॉमेट्स का जो जो टेल होता है ये क्या है, वही से ही ये मेटल्स रहता है। फिर ये क्या होता है, जैसे कभी क्या ये क्या होता है ना, जब अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है ना, पासिस होता है ये टेल ऑफ द डेब्रीज में, ठीक है, उस टाइम में ये सब क्या है ना, अर्थ का सरफेस में आ जाते हैं। सो ये लेव द कॉमेट, ठीक है, और ये ना एस्ट्रॉयड, जैसे क्या कोई एस्ट्रॉयड है या कॉमेट है, ठीक है, उसका टेल से ही अर्थ पासिस होता है, तो उस टाइम में ये सब क्या होता है, उसका जो डेब्रीज है, ठीक है, ग्रेन ऑफ द सैंड से वो नीचे अर्थ की तरफ खींचाता है। सो व्हेन अ मैटर रीचेस द अर्थ इट इज कॉल्ड द मेटोराइट। ओके, मेटियोराइट बोलते हैं उसको। ओके, सो ये जो सीरीज ऑफ मेटियोराइट है, व्हेन द एनकाउंटर्ड एट वंस इट इज टर्म एज मेटल सावर्स बोलते हैं, ठीक है, मेटल सावर्स को बोलते हैं। सो क्विकली देख लेते हैं ये कॉमेट क्या है, ठीक है, कॉमेट्स जो है ये कॉमेट है, ये कॉस्मिक स्नोबॉल्स होता है, ऑफ द फ्रोजन गैसेस रहता है इसमें। ये जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ ये है कॉमेट्स है, इसमें रॉक रहता है, गैसेस रहता है, डस्ट रहता है, ठीक है, इसको मिक्सअप करके ये कॉमेट क्या होता है ना, ये बनता है। सो ये ऑर्बिटिंग करता है किसके चारों तरफ, न सन के चारों तरफ ये भी ऑर्बिटिंग करता है। जब कि क्या होता है, फ्रोजन हो जाता है, उस टाइम में क्या होता है, ये साइज इसका स्मॉल स्मॉल टाउन के जैसा हो जाता है, ठीक है, साइज ऑफ द स्मॉल टाउन। बट व्हेन ए कॉमेट जो है, ये जो कॉमेट है ये क्या है, सन के पास होता है, क्लोज होता है, सो उस टाइम में क्या होता है, सन का जो हीट है उसमें ये बहुत सारा इफेक्ट होता है। सो जब हीट हो जाता है उस टाइम में डस्ट गैसेज जो है ये ग्लोइंग होता है, हेड गेट्स ओके देन द मोस्ट प्लैनेट। ये क्या होता है, उसका जितने सारा डस्ट है, ओके रॉक्स है, ओके गैसेस है, ये सब क्या होता है ना, ब्राइटनेस ग्लोइंग होता है। सो एस्टेरॉयड देखेंगे, एस्टेरॉयड ये जो है एक एस्टेरॉयड का फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, ये एस्टेरॉयड जो होता है इसको भी बोलते हैं माइनर प्लैनेट बोलते हैं। इसमें क्या है, ये हमारा स्पेशली इनर सोलर सिस्टम में रहता है ये, जैसे क्या है लार्ज एस्टेरॉयड रहता है उसको क्या बोलते हैं ना, प्लैनेटोइड्स बोलते हैं उसको। जैसे क्या है, लार्ज एस्टेरॉयड होता है उसको प्लैनेटोइड्स बोलते हैं। सो ये टर्म जो हिस्ट्रिकली अप्लाइड किया गया है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द सन, ठीक है, ये जो है एस्टेरॉयड है ये भी सन के चारों तरफ क्या है घूमता है। बट ये क्या है, डिड नॉट रिजेबल से प्लानट लाइक दिस, जैसे हमारा प्लानट का जैसे होता है, ठीक है, हमारा जो एट प्लानट है वो प्लानट के जैसा डिस्क नहीं रहता है इसका, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये एकदम ये जो है एकदम रॉक है, ठीक है। सो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द एन एक्टिव कॉमेट सच एज द टेल, ओके ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।